नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर 2024 के अंतर्गत स्पेशली आप अपने इन्वर्टर के लिए कोई बैटरी लेने वाले हैं तो आप 100% कंफ्यूज होंगे कि हम कौन सी कंपनी का कौन सा मॉडल प्रेफर करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं और ये कंपनियां बहुत मॉडल बनाती हैं। तो अगर हम कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं तो एक सही मॉडल का सिलेक्शन नहीं कर पाते, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारी नीड है वो उस बैटरी से फुलफिल नहीं हो पाती है। और अगर आप कंफ्यूज नहीं हैं तो आप दूसरा काम करेंगे कि आप दुकानदार के पास जाएंगे, उससे कहेंगे हमें एक इन्वर्टर की बैटरी दे दीजिए, आपको वो जो बैटरी दे देगा आप वो बैटरी ले आएंगे जाके, और ये बिना जाने कि इस बैटरी की वारंटी कितनी है, इसकी परफॉर्मेंस कितनी है, रिलायबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं होंगी। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई पढ़ के इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं जो अपने कस्टमर्स को बैटरी सेल करता हूँ उन बैटरी से जो फीडबैक देखने को मिलता है उस फीडबैक के आधार पर मैंने यहाँ पर आपके लिए टॉप 5 बैटरियाँ सिलेक्ट की हैं। इसके साथ ही एक दूसरा बड़ा सवाल आता है कि हमें अपने इन्वर्टर पर एक्चुअल में कितनी एच की बैटरी लगानी चाहिए, हमारी नीड क्या है, क्या हम उस नीड के हिसाब से यहाँ बैटरी का ये सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी निकालने का तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बेस्ट सिलेक्शन आपको मैं देने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। पहली बार चैनल पर आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो 100% अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग अभी से वीडियो को लाइक कर, अगर सबसे बड़े सवाल की बात करें कि हमें कितने एएच की बैटरी लेनी चाहिए, 150 एएच की, 165 एएच की, 180, 200, 220, 250 या 300 एएच की, तो इसके दो निकालने के तरीके हैं। पहला तरीका एक कैलकुलेटिव व्यू में है, जिसमें आप अपने घर का पूरा लोड लिखेंगे, जिस लोड को आपको उस ड्यूरेशन में चलाना है जब आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट होगी। पर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको बहुत हैवी लोड चलाने हों अपने इन्वर्टर के ऊपर, तो इसका एक दूसरा और आसान भी तरीका है। आसान तरीका कैसे, जैसे मान लीजिए आपको अपनी एक टीवी चलानी है, 2 से 3 बल्ब चलाने हैं या 1 से 2 फैन चलाने हैं, मात्र इतना लोड है, इसके साथ छोटे मोटे लोड और जैसे मोबाइल चार्ज करना है और एलईडी लाइट्स जलानी है, तो इन लोड को अगर आपको चलाना है और 2 से 3 घंटे तक आपके यहाँ पावर कट रहता है तो इस कंडीशन में आप जा सकते हैं 150 एएच की बैटरी की तरफ। पर अगर 3 घंटे से ज़्यादा का पावर कट है तो आप 150 एएच की बैटरी की तरफ ना जाएं, क्योंकि वो बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी। ऐसे में आप सेलेक्ट करें कम से कम 180 एएच की बैटरी, 4 से 5 घंटे अगर पावर कट रह रहा है उस कंडीशन में, और अगर इससे ज़्यादा पावर कट होता है तो आपको चुननी चाहिए 200, 220 या 250 एएच की बैटरी, और यही बैटरी आपको प्रॉपर बैकअप देने का काम करेगी। तो ये तो हो गया एएच सेलेक्ट करने का एक सबसे आसान तरीका, कि घंटे के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने एएच की हमें बैटरी चाहिए है। अब मैं इस वीडियो में जो आपको मैं बैटरियाँ बताने वाला हूँ वो 150 एएच से लेकर 250 एएच तक की बताने वाला हूँ, तो उसके साथ ही मैं उनके स्पेसिफिक मॉडल नंबर भी बताऊंगा। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि मॉडल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए ल्यूमिनस का मैंने कोई प्रोडक्ट बताया और अगर आप ल्यूमिनस की बैटरी लेने चले गए तो उनके कम से कम 8 से 10 मॉडल आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे में जो मॉडल सही था उसकी जगह आप कोई दूसरा मॉडल ले आए, क्योंकि हर कंपनी का हर मॉडल एक जैसा परफॉर्म नहीं करता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक एक करके सभी बैटरियों की। इस लिस्ट में जो हमारी पहली बैटरी आएगी वो आएगी लिव गार्ड की तरफ से, और यह है लिव गार्ड का इन्वर्टर टफ मॉडल। अगर आप 150 एएच तक की बैटरी चाह रहे हैं तो आप लिव गार्ड की इस बैटरी की तरफ जा सकते हैं, पर अगर आपको लिव गार्ड कंपनी नहीं पसंद है तो आप ल्यूमिनस की भी बैटरी प्रेफर कर सकते हैं। ये ल्यूमिनस की दूसरी बैटरी है और इसका मॉडल नंबर है LM1875। ये बैटरी भी 150 एएच की बैटरी है और इससे अगर आपका 2 से 3 घंटे का पावर कट होता है तो ये बैटरी आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है। पर अगर आपकी नीड इससे ज़्यादा है तो उस ज़्यादा नीड को फुलफिल करने के लिए मैंने यहाँ पर जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट जीनस कंपनी का। जीनस भी बैटरी बनाने में काफ़ी अच्छी कंपनी है, पर मैं सब मॉडल की बात नहीं करता, मैं स्पेसिफिक जिस मॉडल की बात कर रहा हूँ वो मॉडल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और जीनस का इस मॉडल का नाम है GTT230 और ये हल्ला बोल के नाम से आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप 200 एएच तक की कोई बैटरी चाह रहे हैं तो आप जीनस के इस प्रोडक्ट की तरफ बेहिचक जा सकते हैं, अपने इन्वर्टर पर इंस्टॉल कर सकते हैं और ये बैटरी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है।
इसके बाद एक 150 एएच की और बैटरी है जो आती है माइक्रोटेक कंपनी की तरफ से, क्योंकि माइक्रोटेक हो गया, लिवगार्ड हो गया, ल्यूमिनस हो गया, ये काफी अच्छी बैटरियां बनाते हैं। तो अगर हम माइक्रोटेक के स्पेसिफिक उस मॉडल नंबर की बात करें तो माइक्रोटेक का वो मॉडल नंबर है MTK 150-3024TT। आप माइक्रोटेक की 150 एएच तक की इस बैटरी की तरफ भी जा सकते हैं। ये तो बात हो गई 150 से लेकर 200 एएच तक की बैटरी की। अब मान लीजिए हमें ज्यादा बैकअप चाहिए, ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं ईस्टमैन की तरफ से आने वाली बैटरी को, जो ईस्टमैन की 250 एएच तक की बैटरी है। और अगर आपके यहाँ 5 घंटे से ज़्यादा पावर कट रहता है तो आप इस बैटरी की तरफ जा सकते हैं। ये बैटरी का जो मॉडल नंबर है वो है EN250IL। आप अपने इन्वर्टर के लिए इन बैटरियों को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बैटरी ले रहे हैं तो उसके साथ उसकी वारंटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो एक बार मैं जो भी मैंने बैटरी आपको बताई है सबकी आपको वारंटी के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप ल्यूमिनस की वारंटी की बात करेंगे तो इस पर आपको 75 मंथ की वारंटी मिलेगी, जिसमें 60 मंथ की आपको फुल वारंटी और 15 मंथ की प्रो रेटा वारंटी मिलेगी। माइक्रोटेक के अंतर्गत आपको 54 मंथ की वारंटी मिलेगी, जिसमें 34 मंथ आपको फ्लैट वारंटी मिलेगी और 20 मंथ आपको इस पर प्रो रेटा वारंटी मिलेगी। जीनस की तरफ से आने वाली बैटरी पर आपको 72 मंथ की वारंटी मिलेगी, और जिसमें 42 मंथ इसकी फुल वारंटी होगी और 30 मंथ प्रो रेटा वारंटी होगी। लिवगार्ड में आपको 84 मंथ की वारंटी मिलेगी, जिसमें 60 मंथ की आपकी कंप्लीट वारंटी होगी और 24 मंथ की आपकी प्रो रेटा वारंटी होगी। वहीं ईस्टमैन की जो आपकी 250 एएच की बैटरी होगी उसमें आपको मिलेगी पूरे 240 मंथ की वारंटी, मतलब 20 साल की वारंटी। इसमें से 10 साल या 120 मंथ में आपको फुल वारंटी देखने को मिलेगी और बाकी 10 साल आपको प्रो रेटा वारंटी देखने को मिलेगी। अब प्रो रेटा वारंटी क्या है? प्रो रेटा वारंटी वो वारंटी होती है जैसे आपकी मान लीजिए 10 साल बाद बैटरी खराब हो गई, ऐसे में आपको एक अमाउंट पेड करना पड़ेगा कंपनी को या जिससे आपने बैटरी ली है उसको एक अमाउंट पेड करना पड़ेगा, वो जो आपकी बैटरी क्लेम करेगा। उसके बाद उस अमाउंट के साथ आपको एक नई बैटरी दे दी जाएगी। पर इसके अलावा अगर आपकी ईस्टमैन की बैटरी 1 साल के अंतर्गत खराब होती है तो कंपनी का कहना है कि हम आपको नई बैटरी तो देंगे, उसके साथ ही हम आपको 1500 रुपये और देंगे अगर आपकी बैटरी खराब होती है। तो वारंटी के हिसाब से और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से मैंने आपको टॉप 5 बेस्ट बैटरियां बताई हैं। अगर आप इन बैटरी को पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा बैकअप देखने को मिलेगा और आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।